आज हम आए हुए हैं वार्ड नंबर गुनसितर में, जो वासी तंबोलिया मेन रोड नारसिंह जी का मंदिर के पास में, जो कि नारसिंह जी भगवान के मंदिर के पास में सीवरेज लाइन का इतना पानी भरा हुआ है गंदा, कोई पूछने की बात नहीं। पार्षद कबूलाल जी दया वार्ड नंबर गुनसितर, उनको बोलने पर भी अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, वार्ड नंबर गुनसितर जो नारसिंह जी भगवान के मंदिर के आगे का इतना गंदा पानी भरा हुआ है जो हद से ज़्यादा है। ये मंदिर का नज़ारा मैं आपको बता रहा हूँ। मंदिर के आगे इतना पानी, मेन रोड पर बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते हैं, और जो अंदर गिर गए हैं वो बाहर निकलना भी मुश्किल है, क्योंकि सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो भी कहते हैं कपड़े हमारे ख़राब हो जाते हैं। आगे से ये रास्ता बिल्कुल अब बंद कर दिया है किसी ने बबूल डालकर, क्योंकि रास्ते में बहुत ही गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके कारण रास्ता बिल्कुल बाधित है। पार्षद को मोहल्लावासी ने बोला तो अभी तक कबूलाल जी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। हालांकि ये बारिश का पानी नहीं, ये सारा पानी सीवरेज लाइन का आ रहा है, और पास में दो मंदिर बने हुए हैं। ये देखिए, आपको मैं मंदिर का नज़ारा बता, ये बात से तो मोल करवा सकते हैं ताकि ये मंदिर के आगे गंदगी ना हो सकते हैं। एक्शन नहीं लेने पर लोगों ने रास्ता बंद किया, क्योंकि जो अगर कोई अंदर गिर गया तो उसके कपड़े सारे ख़राब हो जाएंगे। इसी कारण ये आगे रास्ता बंद कर दिया बबूल के पेड़ डालकर। ये मंदिर के आगे इतना पानी भरा हुआ है वार्ड नंबर 69 में। कबूलाल जी दया पार्षद, मंदिर के पास में चारों तरफ गंदा पानी पड़ा है। पूरा सीवरेज लाइन का पानी आ रहा है अभी। अरे कबूलाल जी, राम राम। राम राम सा माता दान बास दम्बोली अशोक बोलू है। बास दम्बोली हूँ। हाँ बोलो सर। अरे बे नार सिंह जी मंदिर कने वो कचरो लगायो कोनी, खाडो पानी भरी जड़ो जाऊनो रस्तो कोनी, और एटे मैं क्या गल है कबूलाल जी रे बाद घर आलो जन मैं के मैं बूर लगाई गयो है भाई। कबूलाल जी घर आवने तो अलग मन है, राम जी फोन आयो तो आल जाओ आई साहब को ना। कबूलाल जी कंत कने नो फाजो ना एको ना तो खुली बात के हूं। पांच सौ तो है वो हैं बड़ा हो अपन नगम हेड ऑफिस आल जाओ तो वो अपने आप का ये सब बांध दे सीजन था पर भाई। जो कबूलाल जी कंत नो भाई जल्दी मंदिर के पास के बरसात आवन बड़बू जावा था भगवान का मंदिर है। आज रो है कौन सा भाई हमें पड़ी हो इस मंदिर के पास में। ये पानी भरी जो है पानी मिंदर है जावे आप मारी बात सुनो। मैं आपने कहूं नो मारखा में की हैला अजनिया साहब उठे आल जाओ अपन हेड ऑफिस बतमोड़े पास है तो कौन सब रस तोड़े के सब आल जाओ वहां पे आलम तैयार बैठो बस। अल साहब गन आल जाओ एन कदे कहूं बजे ने के मैं घर जाओ मैं कबूलाल जी घर जानो तो घर तो मैं तो आ जाऊं घर कहीं रोक घर वहां आ जाऊं उठे घर जाऊं और कहीं कबूलाल जी का मैं कहीं साधन नहीं हो कहीं बात करो। और मैं क्या दो तीन कचरे गाड़ी मेलता तो थोड़ा ऊंचो जद के एक टोली में कतरे की गाड़ी मारी बात सुनो कतरे की गाड़ी कटो मेलो मना बताओ कतरे की गाड़ी आवे तो वे डंपर भेजे तो वे तो कहीं करो मना बताओ थे मैं क्या लाइन ही डट्टी के चिरे जो पण पण नावे देन मैं क्या मो कहीं का बुझो क्यों सूरज लाइन में पानी आवे के क्या डट्टी ओड़ी आ के भाई हम सूरज में आओ तो पानी रो कहीं साफ पड़े सूरज रो आवे एकम वो आवे कहीं साफ पड़े सूरज रो जावे ढगले बाड़ आवी बनी आ तो बरसात रो पानी है बाकरा रो को सूरज है ना कोई बात है पूरो बाकरा रो पानी आ रियो और भड़ो तो कहूंगे मारे अट घर रखने आम देखो किंतु अट घरों बारे को निकल जाए मन करे और पड़ी हो तो का मारे दिन को घर रखने आ जाओ थे बताऊं मैं आपको तो सही है भाई। तो देखो उन्होंने कोई देखो भाई बरसात रो पानी रो बाकरा मातो आवे के नो कोई इलाज नहीं लीकेज बड़ी गया ऊपर डुले यो भाई।
बाहर से तो थे वो, मैं हम कही कौन, मैं तो भाई मैं क्या जाया क्या भिड़ा ये नालो, मैं भिड़ा ये नाल ना कही है बेड़ा वो नाल रे कहीं कोन भले को तो खाओ आ जाओ भले होना थोड़ी दे भाई आवन बात मना कर हूं आ जाऊंगा क्या क्या माता दान वार्ड नंबर गए हितराला हड़क जाम करी जो जाम करो नहीं मैं के भाई हम देख ना माता दान वार्ड नंबर हितर में बोड़ियाला वाला भाई हड़क जाम करी नहीं हो चोरे मत जीव है के मैं जाम करो भाई मैं के भाई तो जाम करो मत कम बढ़िया है निरीक्षण करो।